कहते हैं कि मूवीज का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए जैसी मूवीज आप देखोगे आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनका। और आजकल की 80% मूवीज में आपको क्रुएल्टी, ब्रूटलिटी, सेक्सुअलिटी एंड क्राइम्स वगैरह ही दिखाई जाती है। इवन की वेब सीरीज में भी बहुत ज़्यादा ये भरी पड़ी है, जो कि स्टूडेंट के लिए समझो उनके दिमाग के लिए टॉक्सिक है। मैं विश्वजीत और आप देख रहे हो बी स्मार्टी, और आपको पता ही है कि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो पूरा पूरी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। उनके लाइफ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसी मूवीज लेकर आया हूँ जो हर एक स्टूडेंट को देखना ही चाहिए, जो आप अपने लाइफ से, अपने गोल से इन मूवीज़ को रिलेट करना, और कहीं ना कहीं ये मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मूवी नंबर फर्स्ट है लक्ष्य, ठीक है। और ये एक ऐसा मूवी है जिस मूवी में एक ऐसा लड़का होता है जिसके लाइफ में कोई एम ही नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है, लेकिन बाद में उसको अपने लाइफ का अल्टीमेट एम मिलता है और वो आर्मी ज्वाइन करता है और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करके दिखाता है। तो ये मूवी आप देखोगे ना तो इसके जो म्यूजिक्स है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक्स, वो आपके बॉडी में गूज़बम्स क्रिएट कर देंगे और बड़ा ही मज़ा लगने वाला ये मूवी आपको। मूवी नंबर सेकेंड, दैट इज़ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और ये आपका हॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी नहीं है। और इस मूवी में बेसिकली आपको ये सिखाया गया है, हमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग जो है वो हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, बहुत ही ज़्यादा भागते हैं, और लास्ट में किस तरीके से एक इंसान होता है जो बहुत कुछ करता है अपने फैमिली के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है और वो सिर्फ हैप्पीनेस खोजता है, लेकिन लास्ट में जाकर उसको उसका हैप्पीनेस मिलता है। मूवी नंबर थर्ड, डैट इज़ एवरेस्ट, हाँ ये वही एवरेस्ट है, एवरेस्ट, द एवरेस्ट, ठीक है। और इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हर समय सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होती, कई बार तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हो जाती है जिससे हम अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये मूवी हमें यही सिखाती है। मूवी नंबर फोर, डेट इज़ भाग मिल्खा भाग, हर कोई अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो किसी दूसरे पाथ में जाने लगता है, लेकिन फिर उसको अपना गोल याद आता है और वो अपने लाइफ में गोल में वापस आ जाता है। तो कुछ ऐसे ही मिल्खा सिंह के साथ भी होता है, आपको ये मूवी तो कन्फर्म देखना ही चाहिए। नेक्स्ट, थ्री इडियट्स, मूवी नंबर फाइव, थ्री इडियट्स। इस मूवी के बारे में तो आई होप कि मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि इस मूवी में है क्या। बेसिकली इसका एक ही थीम है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो चीज़ें हमें सिर्फ दिखाई जाती है सिर्फ उसी के बारे में सोचो, कुछ एक्स्ट्रा सोचो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ क्रिएटिव बनो, थोड़ा सा अलग सोचो, दुनिया से अलग सोचो, जस्ट बी यूनिक। मूवी नंबर सिक्स, डैट इज़ इंग्लिश विंग्लिश, और इस मूवी में जो एक्ट्रेस है वो आज इस दुनिया में तो नहीं है, उनका नाम है लेट श्रीदेवी, ठीक है। तो इस मूवी में हमें यही बताया गया है कि कोई भी चीज़ सीखने का ना कोई एक प्रॉपर एज नहीं होता, इसमें श्रीदेवी को इंग्लिश सीखना होता है और उनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, अभी कोई एज है, उनकी बेटी कहती है ये कोई एज है मम्मा इंग्लिश सीखने की, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और लास्ट में वो इंग्लिश सीख कर दिखाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कोई भी काम, कोई भी चीज़ को शुरू करने है कोई प्रॉपर टाइम एंड कोई प्रॉपर एज नहीं होता, जब मन कर आप तब उसको स्टार्ट करो। मूवी नंबर सेवन, डेट इज़ चक दे इंडिया, और इस मूवी में एक ऐसा कोच होता है जो बेचारा हारा हुआ रहता है पहले से, लेकिन उसके अंदर जज्बा रहता है कि मुझे इन गर्ल्स की टीम को नेशनल खिलवाना है और वहाँ पे नेशनल ट्रॉफी दिलाना है। कई लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये गर्ल्स क्या कर लेगी, इनसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक कोच होने के नाते वो बहुत मेहनत करते हैं और किस तरीके से वो अपनी टीम को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। मूवी नंबर एट, डेट इज़ हिचकी, और ये मूवी बेसिकली एक टीचर के लिए, अगर आप इन फ्यूचर कभी टीचर बनना चाहते हो तो ये मूवी आपको देखना चाहिए। वो भी जब मैं देखा था ना, मेरे अंदर से एक डेडिकेशन आ गई थी, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो होता है ना वो बुक से नहीं पढ़ाता, वो अपने दिल से पढ़ाता है, उसके अगल बगल जो सारी रिसोर्सेज होती है ना वो उसके लिए काफ़ी होती है, सिर्फ उसके मेथड सही होना चाहिए। तो ये मूवी आप ज़रूर देखो कि किस तरीके से एक टीचर कितना मेहनत करता है सिखाने के लिए, एक अच्छा टीचर आपको किस तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट, मूवी नंबर नाइन, डेट इज़ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ ये वही सर्जिकल स्ट्राइक है जो पाकिस्तान में किया गया था, और ये मूवी की जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स है ना ये भी काफ़ी अच्छी है, और इस मूवी को देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया था और आप भी एनर्जेटिक हो जाओगे, लगे कि अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी वाली फीलिंग आने लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी नंबर टेन, डेट इज़ ब्रदर्स, और ये मूवी की जो सॉन्ग्स है ना वो काफ़ी अच्छी है, और साथ साथ में अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो इन फ्यूचर तो ये मूवी आपके लिए सच में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये आपको डेडिकेट कर देगा, ठीक है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ रहा हूँ एक चैनल का जिसका नाम है टीम फेयरलेस, आप जाओ उस चैनल को चेकआउट करो, मेरे रिकमेंडेशन पर चेकआउट करो, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एंड
अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ पता है ना आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग। पीस माटी।